आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अगले 4 से 5 महीने में अपने क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी को किस तरीके से कर सकते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि इस बार पीएसयूज के लिए या टॉप 5 कॉलेजेस के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे हाई टाइम आ चुका है अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने का। और किस तरीके से आपको आपका सिलेबस मैनेज करना है, टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कम इम्पोर्टेंट क्या है, केस लॉस के अंदर किन पे ज्यादा ध्यान देना है, केस लॉस के अंदर पढ़ना क्या है, कैसे आपको रेंज पता चलेगी कितने केस लॉस कहाँ से किस साल के करने हैं, मॉक पेपर्स के अंदर कैसे आपको प्रॉपर अटेंशन देना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारे के सारे एसेंशियल क्वेश्चन, सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए ताकि इस वीडियो का आपको पूरा निचोड़ मिले, और साथ ही में संभल होकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब चलिए सबसे पहले हम लोग बात करना शुरू करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट से कि हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लैट पीजी एग्जाम जो कि 23rd of June तक यहाँ पे ये स्कॉलरशिप टेस्ट लाइव रहेगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आप ये टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं, टॉप 10 में आपकी पोजीशन आती है, तो हम लोग आपको संभव लॉ में 100% स्कॉलरशिप तक यहाँ पे अपना ऑफर करेंगे टॉप 2 टॉप 3 कैंडिडेट्स को, बाकी के लिए भी हम लोग अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे रखेंगे। तो प्लीज जाइए इस मॉक टेस्ट को जरूर से अटेंड करिए, जो आपका ये पूरा टेस्ट है, ताकि आपको एक बढ़िया एग्जाम का एक अपना वो भी मिले, आप ये भी देख पाओ कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो अभी, करंट में आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे चल रही है, और आपको स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका यहाँ पे जरूर से मिलेगा। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे इस बात से कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो यहाँ पे क्या है। देखिए आपका जो पेपर होता है ये आपका 120 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है, एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 0.25 मार्क्स रिडक्शन होता है, और आपको 120 में से 85 मार्क्स लाने होंगे पीएसयूज के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है, और 75 मार्क्स आपको लाने होंगे टॉप 5 कॉलेजेस के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है इनके लिए। उसके बाद अगर आप देखते हो तो आप 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चंस का पेपर देखोगे कि आपका 2020 में 2023 के पेपर में आया था, जहां पर आपको लंबे लंबे पैराग्राफ मिले, पैराग्राफ के अंदर जैसे आपको कई सारे आंसर मिले, और पेपर की जो डिफिकल्टी थी वो रीडिंग की वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई, बहुत ज्यादा लंबे लंबे पैरा था। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, आपको देखना मिलता है कि 20 पैराग्राफ और 6 क्वेश्चन या 24 पैराग्राफ और 5 क्वेश्चंस के आपको पेपर पैटर्न मिलता है 2022, 21 और 24 के अंदर, जहां पे आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत सारे थे, फालतू सब्जेक्ट्स को भी यहां पे दिया गया है, हाईकोर्ट डिसीजंस भी यहां पे दे दिए गए। ये देखा गया कि यहां पे बहुत रीसेंट केस लॉज जो आपके जो ईयर है उससे 1 माइनस पे आपको पूछा गया, 2023 के पेपर में क्या था कि आपको लैंडमार्क केसेस एकदम दबा के उन्होंने पूछा, बिल्कुल पुराने पुराने केस पूछे। तो आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो दोनों पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए, चाहे वो लोग लैंडमार्क केस बहुत पूछे, चाहे वो लोग रिसेंट केस बहुत पूछे, चाहे वो फाउंडेशन ज्यादा पूछे, चाहे लंबे लंबे पैराग्राफ हो, सारे प्रिपरेशन के हिसाब से, सारे पैटर्न के हिसाब से इस वीडियो में मैं आपको तैयार करूंगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको टाइम यहाँ पे देखिए कितना बचा है, कैसे आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है वो अंडरस्टैंड। देखिए आपके पास अभी जून के आप या तो लास्ट वीक में वीडियो देख रहे हो या जुलाई के फर्स्ट वीक में आप ये वीडियो कहीं ना कहीं देख रहे हो, तो आपके पास कुल मिला के 1, 2, 3, 4 और 5 महीने रह गए, और आपको आपकी जो प्रिपरेशन शुरू करनी है तो आप मेक श्योर करिए कि जो आपकी जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो आपके फाउंडेशनल स्टडीज है, वो आपकी नवंबर से पहले जो आपका अक्टूबर आता है उसके मिड तक खत्म हो जाए, मिड अक्टूबर तक आपके फाउंडेशनल स्टडीज यहाँ पे खत्म हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। और जो लास्ट के आपके 2 मंथ या 45 डेज आपके बचते हैं अक्टूबर नवंबर मिला के, मान लो आप सितंबर में खत्म कर लेते हो, उसके अंदर आप अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के ऊपर खास ध्यान रखिए, बिकॉज ये चीज देखी गई है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं मॉक पेपर्स के अंदर, वही एग्जाम के अंदर जाके भी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, बिकॉज एमसीक्यूज और मॉक पेपर्स के थ्रू आपको ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो पेपर का पैटर्न है वो क्या है, किस तरीके से मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, अलग अलग जो पैटर्न है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, ताकि आपको कोई भी पेपर मिले कंसोर्शियम की तरफ से आपको दिक्कत ना हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए 2 महीने आपको उसको देने, 45 डेज 2 महीना, और बाकी का जो 3 महीना या वो है आपको इसमें देने हैं। और ये जो स्ट्रेटजी ऐसी है कि 4 से लेकर 5 महीने के बीच में हम लोग बात कर रहे हैं, ताकि आपकी ये स्ट्रेटजी पुरानी ना पड़े, जो बात है वो एकदम रेलिवेंट आपके लिए रहे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा जो आपके केस लॉज हैं उनकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, केवल ये भी मत करिएगा कि आप केवल केस लॉज पढ़ के यहाँ पे चले गए, फाउंडेशनल स्टडीज आपने करी नहीं, बिकॉज देखिए होता क्या है कि जो पेपर है उसमें पहले फाउंडेशनल आपने जब पढ़ा, तो आपने जब केस लॉज पढ़े तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनी कि हाँ भाई इस केस के अंदर फैक्ट्स क्या है, जो लॉ है वो मेरे को समझ में आ रहा है जब मैं उसको पढ़ रहा हूँ, फिर जब एग्जाम देने जाऊंगा तो पेपर के अंदर जो पैराग्राफ होता है उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको फाउंडेशनल स्टडीज का अंदाजा होना चाहिए। और खास करके वो स्टूडेंट जो कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीएसयूज की प्रिपरेशन 2 से 3 बार कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन की बराबरी करने के लिए आपको फाउंडेशन, उसके बाद केस लॉस, फिर उसके बाद एमसीक्यूज को ही करना है,
आपका कंपटीशन समझ लो कहां से किनके साथ है, तो प्लीज इस बात की गलती मत करना, स्टेप बाय स्टेप चलना। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपनी प्रिपरेशन को चार पार्ट में डिवाइड करो, जिसमें सबसे पहला जो आपका पोर्शन है वो आपका बिजनेस लॉस के अंदर आता है, जिसमें से लेके 20 से लेके 25% पेपर हर बार पिछले 4 से 5 साल में आया है। आपका क्रिमिनल लॉज में जो आपके नए वाले लॉज इंट्रोड्यूस हुए बीएनएस बीएनएसएस पीएसए, ये आपको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आपका 20 से 30% पेपर क्रिमिनल लॉ से आता है। अदर लॉज जो आपके मिसलेनियस वाले होते हैं उससे 30% पेपर आता है, जिसमें ज्यूरिसप्रूडेंस फैमिली लॉ वगैरह होता है। और आपका जो मेन होता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेबर लॉ बाकी के सब्जेक्ट्स होते हैं एडमिन लॉ, इसको 30 से लेकर 35% आपका पेपर यहां से आता है। इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और लैंडमार्क केस लॉज भी जो होते हैं मेजरली यहीं से आपके उठ के आते हैं, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम भी देना होगा। अब कैसे आपको टाइम देना है, कहां से आपको करना है, वो डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स की, देखो आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी वीडियो देख रहे हो ना, आपको तभी ये डर तो है ना कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे। अगर ऐसा हो जाए कि आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल, सारा का सारा वीडियो लेक्चर्स, एक बढ़िया फैकल्टी जो पढ़ा रही हो वो आपको मिल जाए, सारे मॉक पेपर्स जो सारे पैटर्न के वो आपको मिल जाए, सारे केस लॉस का स्टडी मटेरियल, रीडिंग मटेरियल जो पढ़ना है जैसे पढ़ना है प्रॉपरली एकदम बढ़िया से उसको डिफाइन करके कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स सारे इश्यूज सब कुछ आपको एक ही जगह पे अगर मिल जाए तो आपकी प्रिपरेशन कितनी आसान हो जाएगी। और यही चीज अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल करने के आप बिल्कुल सोच सकते हैं, बिकॉज इसमें 5 to 99 में आपको हम लोग पूरा ये चीज करके देखते हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर आपके स्क्रीन पे ये सब चीजें दी हुई है। रिजल्ट आप हमारा पास का देख सकते हो कितना बढ़िया रहा है क्लैट एग्जाम के अंदर। तो अगर आपको एनरोल करना है तो डेफिनेटली आप इस कोर्स का चेकआउट करिए। और मान लो आपको केवल ये चाहिए कि भाई मैं केस लॉज और मॉक पेपर्स चाहता हूँ, मेरे को बाकी नहीं चाहिए, वीडियो लेक्चर और स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, तो आप केवल यहाँ पे ये जो आपका प्राइस है ये आपका नहीं है, ये आपका 3799 का प्राइस है। और इसमें अगर आपको एनरोल करना है आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। और उसके बाद अगर मान लो आपको सारे एग्जाम्स करने हैं, IIT खड़गपुर भी चाहिए, क्लैट भी चाहिए, CVET भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप इस वाले कोर्स में एनरोल करिए। 5799 में सारे के सारे एग्जाम्स यहाँ पे कवर्ड है, पूरा सिलेबस कवर है, लॉ का पूरा सिलेबस सब कुछ दे रही है। तो अगर आपको एनरोल करना है चेकआउट आप करिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना है, इसके बाद शुरू करते हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पोर्शन को किस तरीके से करना है। मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि प्लीज आप लोग जाइए, एक मैंने वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने सारे के सारे जो टॉपिक्स आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में करने हैं वो एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करा है, उस वीडियो को जाके देखिए। और इसके अंदर आप ये समझिए कि देखिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इस पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको 10 से लेकर 15 दिन में कंप्लीट यहाँ पे करना है, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ये लेबर लॉ है, जो आपका ये एनवायरमेंट लॉ है, ये सारा का सारा इसमें जो है 60-70% इन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही होता है, तो आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही निपटा डालिए सबसे अच्छा रहेगा। इसके अंदर आपको मेनली केस लॉज के ऊपर और बेयर एक्ट के ऊपर ध्यान देना है, इस चीज का ध्यान रखिए। और उसके साथ में आपका जो ये वाला जो पूरा पोर्शन है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट का, इसको भी आप थोड़ा थोड़ा देख के अपना चलो। और इसके अंदर आपके जो केस लॉज है लेबर लॉ में वो आपको हाईकोर्ट वाले भी थोड़े से देख के चलने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। लैंडमार्क केसेस और रीसेंट केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत ज्यादा होने वाले, उस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसकी पढ़ाई में आप कुछ नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं 4 से 5 दिन यहाँ पे दे दीजिए, और 4 से 5 दिन यहाँ पे मिला जुला के मतलब अपना 20 दिन में इस पूरे पोर्शन को खत्म करिए, मेक श्योर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाले पार्ट। इसके बाद जो आपका अगला पार्ट है वो है आपका क्रिमिनल लॉ का। अब इसमें आपको डाउट ये आएगा कि सर ये जो नए वाले लॉज आए इनको हमें कैसे करना है, करना इसमें कुछ नहीं है, जो आपका IPC पुराना वाला था या जो CRPC पुराना वाला था वो उठाइए, उसके अंदर जो सेक्शंस चेंज हुए वो अपना रख लीजिए कि नए नए सेक्शंस क्या, पुराने वाले क्या थे, जो आपका थ्योरी है वो सेम रहेगा, ऑफेंसेस सेम रहेंगे, जो उनका क्वांटम होगा कुछ कुछ ऑफेंसेस में चेंज हो जाएगा, कुछ नए ऑफेंस ऐड हो जाएंगे, प्रोसीजर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो अपना देखा, काम यहाँ पे खत्म हो गया पूरा, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसमें बहुत ज्यादा आपको बवाल या झंझट खेलने की जरूरत नहीं है, और इसको प्लीज अच्छे से करिए, बिकॉज इसमें मैं बता रहा हूँ इस बार 4 से लेकर 5 पैराग्राफ सीधे सीधे इसी नए वाले कानून के ऊपर आएंगे कि क्या चेंजेस आए, क्या वो जो चेंजेस आए वो किसका इम्पैक्ट क्या है, या जो नए लॉज आए उनको कैसे चैलेंज करा गया, बिकॉज अभी जैसे ही लॉ इम्प्लीमेंट होगा 1 जुलाई को तुरंत ये चैलेंज भी होगा सुप्रीम कोर्ट में कई सारे इसके, और उसके जो जो केसेस होंगे सब पे क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज इस पोर्शन को आपको एटलीस्ट 20 दिन आराम से देने हैं, उससे कम में नहीं होने वाला। और उसके बाद ये जो आपके छोटे मोटे बेयर एक्ट है ना, ये वाले चुन्नू मुन्नू, इनके अंदर आप करीब जाइए 3 से 4 दिन या 5 दिन लगा दीजिए, कैसे इनको आपको करना वो समझा देता हूँ। आप इनमें हिस्ट्री जैसे इसके फीचर्स हो गए, फिर इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह डेफिनेशन क्लॉज वगैरह वो आपने मान लो UAPA का देख लिया, फिर उसका जो इंपॉर्टेंट केसेस वगैरह वो आपने देख लिए कि प्लस इसके बाद जो इसका एक इंटरसेक्शन होता है ना, जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंटरसेक्शन है कि आर्टिकल 20, 21, 22 को की जो लाइट में आपने उसको इंटरप्रेट करके देखा वो कैसे है, फिर जो उसके इंपॉर्टेंट डिसीजंस उसको आपने देख लिया, ये सब आप कर लोगे आपका आराम से ये हो जाएगा। इसको हमने अपने कोर्स के अंदर भी करा रखा, तो अगर आपको आसानी से इस चीज को करना तो आप कोर्स में एनरोल हो जाइए, नहीं तो यहाँ से अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं।
उसके बाद आपका जैसे मैंने कहा 20 दिन उसको दीजिए, यहाँ पे बिजनेस सॉल्व में जब आप आते हो तो यहाँ पे मेनली कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ये 3-4 सब्जेक्ट्स मेन होते हैं। इसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप कर रहे हो तो आप ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये सब कॉम्पिटिशन है इसको साथ में कर लो, बिकॉज आपने साथ में कॉलेज में भी इसको साथ ही पढ़ा था, इसको साथ में कर लो। कोशिश करो कि ये 4 से 5 दिन में हो जाए, फिर कंपनी लॉ को आप जाओ थोड़ा सा 4 से 5 दिन दे दो मोटा मोटी, और ये सारे सारे सब्जेक्ट्स को कोशिश करो कि 10 से लेकर 12 दिन में बिजनेस लॉ का पोर्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रश इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज देखो बिजनेस लॉज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कि क्रिमिनल लॉ में लंबे लंबे चेंजेस आने वाले हैं तो बिजनेस लॉज उतना इंपॉर्टेंट अभी इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होने वाला है। तो आप अगर ऊपर ऊपर से भी करोगे तो भी आपका कहने की काम चल जाएगा, और अगर मान लो आपने बिजनेस लॉज पहले से कर रखा तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको उतना टाइम यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। फिर लास्टली आपका आता है अदर लॉज। अदर लॉज के अंदर जो दो सबसे कठिन फंसते हैं वो आपका इंटरनेशनल लॉ जुरिसप्रूडेंस आता है। इसके लिए पूरा जो सिलेबस है वो इस वीडियो के अंदर दिया हुआ है, प्लीज उसको जाके फॉलो करो, पूरा सिलेबस मैंने समझाया क्या क्या पढ़ना है उसमें। और इसके लिए आप कुछ नहीं करिए, 10 दिन यहाँ पे और 10 दिन यहाँ पे, 20 दिन यहाँ पे टोटल इसको दीजिए। और उसके बाद जो आपका हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ आपका आराम से 4 से 5 दिन में आराम से हो जाएगा। इसके बाद आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब इतना आपका है, इसको आप 4 से 5 दिन दे दीजिए मोटा मोटी आपका हो जाएगा। तो ये आपका करीब 30 डेज आराम से लेगा। इसको आपको देना इसलिए पड़ेगा बिकॉज जो क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं बहुत ही कठिन होते हैं इंटरनेशनल और जुरिसप्रूडेंस में, खास करके सिलेबस तो होता नहीं है, कुछ भी ये लोग पूछ लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन तो पूछते नहीं है, तो इसलिए 10 दिन का टाइम देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और फैमिली लॉ और आईपीआर भी आपका इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, तो उसको भी आपको पहले से करना पड़ेगा। 30 डेज आपको टोटल इसलिए देना है। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि 20 डेज आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वाले पोर्शन को दिए, 20 डेज आपने दिए यहाँ पे उस वाले पोर्शन को जो आपका क्रिमिनल लॉ का था, 10 से लेकर 12 दिन आपने दिए यहाँ पे बिजनेस लॉस को, और करीब 1 महीना आपने दिया अदर पोर्शन को, तो टोटल ये आपका 40 दिन हो गया। ये आपका टोटल यहाँ पे 40 दिन हो गया, तो मतलब 80 डेज में आपका मैंने यहाँ पे करवा के खत्म कर दिया, 80 डेज में पूरा हो गया, और आपका 2 महीना मतलब आप मतलब 2 एंड हाफ मंथ में आपका हो गया। अगर आपको थोड़ा सा बिजनेस लॉस को और पढ़ना है तो वो आपका 3 महीना हो गया, फिर भी आपके पास 2 महीने यहाँ पे बचे, तो अपने टाइम को उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब इस पोर्शन का जो आपका अगला सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे पिरामिड के अंदर, वो आपका आता है कि केस लॉस को आपको किस तरीके से करना है। अब देखिए जो आपके केस लॉस है उनको आपको 2 पोर्शन से डिवाइड करना है। जो आपका पहला पोर्शन है वो आपका होता है लैंडमार्क केस लॉस का, जिसमें आपके वो डिसीजंस आते हैं जो कि आपके 3 जज 5 जज 7 जज या 9 जज के बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, जिसके के अंदर एक किसी पॉटी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया गया, बहुत ही वॉटरशेड मोमेंट पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन आया बेघर फाउंडेशन वर्सेज के एस पट्टा स्वामी का, ये जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेज चीफ मिनिस्टर ऑफ उसका। अब इसके अंदर रिजर्वेशन के ऊपर या सबरीमाला इशू के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई, ये आपको पूरा पूरा रट के चलना है। इसके अंदर में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि 2017 से लेके 2024 तक के जितने आपके लैंडमार्क केसेस उनको आप पूरा पढ़ के जाओ। पता कैसे चलेगा कि कौन से पढ़ने कौन से नहीं पढ़ने, कुछ मत करो। 2017 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस आपने डाला नेट पे, लिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें आप जाइए हर लैंडमार्क केस लॉ को जाके ढूंढिए नेट के ऊपर, जिस भी लैंडमार्क केस लॉ के बहुत सारे आपको न्यूज आर्टिकल्स में कवरेज मिल जाए, रिजल्ट्स मिल जाए, उसको आप उठा लो, समझ लो वो इंपॉर्टेंट है। और ऐसे आपके करीब 100 से लेकर 150 ऐसे केसेस जो कि आपको पढ़ के जाने हैं, और फोकस इस चीज पे रखिएगा कि जो आपके 2024 के लेटेस्ट वाले केसेस हैं उनको आप सबसे ज्यादा पढ़ो। 2024 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 23-24 इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके पहले वाले केसेस को उतना इंपॉर्टेंस देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब इनको पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, बट इसके अलावा जो आपका दूसरा आपका पोर्शन है जो आपके केस लॉज का है, जो दूसरा पार्ट है वो होते हैं आपके रीसेंट केस लॉज। ये जो आपके रीसेंट केस लॉज होते हैं ये वो केस लॉज होते हैं जिसमें डे टू डे में सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई जजमेंट देता है, जिसमें कि डिवीजन बेंच है या 3 जज बेंच का डिसीजन है, जो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट एग्जाम में लोग इसको पूछ जरूर लेते हैं। और उसको डिफाइन करने के लिए कि कैसे आपको पता चलेगा कौन सा डिसीजन आपको करना है कौन सा नहीं करना है, उसके लिए आप पहली बात तो ऐसे डिसीजन के ऊपर ध्यान दीजिए जिसमें कि कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई, या जो कि ऑनगोइंग चल रहा है। मान लीजिए आपका अभी TN गोदावर्मन का एक केस है जो कि कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जिसमें एनवायरमेंटल लॉ से जुड़े हुए कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी इशू होता है, वो लोग उसके ऊपर कोर्ट आती है अपना डिसीजन उसमें दे देती है, तो वो आपको करके चलना है। अब जैसे मान लीजिए इंडिक एक्सपीडिशियस स्टाइल ऑफ NI एक्ट वाला जो केस है, या जो रजनीश नेहा का केस है मेंटेनेंस के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई, इस तरीके केसेस को आपको खास तौर पे करना है। फिर ऐसे डिसीजंस जिसमें कि कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट या बात, जैसे मान लो अभी वर्नन वर्सेस स्टेट ऑफ का उसका केस आया, या अभी इलघर पार्षद वाला जो केस था वो अभी आया, या जो अभी रिसेंट में आपका अभी नीट का जो केस ये चल रहा है, ये सारे के सारे ऐसे केसेस हैं जो कि मीडिया में हाईलाइटेड है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आपका अभी पूरा मैटर चल रहा है, वो सबको आपको देख के चल रहा है। उनको आप इसलिए देख के चलो बिकॉज एकदम से वो लोग उठाएंगे उस पर्टिकुलर केस को, किसी सब्जेक्ट के अंदर डालेंगे, पूछ लेंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको कायदे से करके जाओ। उसके बाद जो अगला डिसीजन होते हैं इस तरीके के जिसमें कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करी, जैसे मान लो KN अजीम का केस है,
यूएपीए के ऊपर के नजीब केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। लक्ष्मी चंद्रागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है, यहाँ पे जो आपका सीआरपीसी उसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट, या मान लो आईपीसी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, वो आप देख के चलो। खास करके आईपीसी और सीआरपीसी में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, फैमिली में, इस तरीके के छोटे छोटे जो केसेस होते हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रही है कोर्ट, वो आपको देख के चलने सारे केसेस उस तरीके के आपको करने। और कोशिश करिए कि जो रीसेंट केसेस हैं वो आपके 2021 से लेके 2024 तक के आप सारे के सारे करो। इसमें भी वही पॉइंट है कि 2024 और 2023 के केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले वाले केसेस उतने इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, तो उनको आप कम करिए, उनको ज्यादा कम टाइम दीजिए, इसको ज्यादा टाइम दीजिए, सिंपल एज दैट। उसके बाद ऐसे डिसीजन जो कि किसी की पर्टिकुलर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टेस्ट करते हैं, मान लो मनीष कुमार का केस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सॉरी बैंकरप्सी कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है। उसके बाद जरनैल सिंह से लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाला रिजर्वेशन प्रमोशन का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ऐसे ही आपके टाइप के जो केसेस है उनको आपको कायदे से यहाँ पे करके चलना है। रिसेंट में लैंडमार्क में मैंने आपको ये बाइफरकेशन दे दिया, रिसेंट वाले में कम से कम 200 से लेकर 300 के जब आप करोगे तब जाके कहना कि आपका एक पूरा कमांड बनेगा कि हाँ भाई मेरा ठीक ठाक यहाँ पे प्रिपरेशन हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको रेंज समझा दिया कहाँ से कहाँ तक साल करने, क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से करना, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये देख लेते हैं कि आपको इन केसेस को पढ़ना कैसे। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आप इस जो नेम ऑफ केस है उसको आप नोट करके जाओ, रीसेंट केसेस की पहले मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रीसेंट केसेस में नेम ऑफ द केस नोट करो और उसके अंदर जो लॉ इन्वॉल्व हुआ है उसको आप प्लीज नोट करो। जैसे आर्टिकल यहाँ पे यह जो केस है इसके अंदर सेक्शन 377 आर्टिकल 14 1931 यूज हुआ, वो आपने नोट करा। और उसके बाद जो लॉ था उसके अंदर क्या चेंज आया डिसीजन की वजह से, जैसे मान लो आप लाइव लॉ जब खोलते हो, लाइव लॉ के अंदर आपको इस सबसे मतलब नहीं है कि पिटिशनर ने क्या बोला, रिस्पॉन्डेंट ने क्या बोला, सब बकवास। आपको क्या देखना है कि जो हाईलाइटेड होता है ना ब्लैक मैस पूरा लिखा रहता है ऑपरेटिव पार्ट जजमेंट का, आपको वो पढ़ना। आपको कोरम का नाम नहीं याद करना, आपको कुछ याद नहीं करना, आप बस नेम ऑफ द केस, जो लॉ इन्वॉल्व था और लॉ के अंदर क्या कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया, बस दैट्स इट। रीसेंट केस लॉस के अंदर आपको ये पढ़ना है। लैंडमार्क केस लॉस के अंदर जब आप आते हो तो 100 से 150 केस में आपको कोरम थोड़ा देख लो, डिसेंडिंग ओपिनियन किसने दिया, आपका जो कंकरिंग ओपिनियन था वो किसने दिया। फिर उसमें आपके कुछ डिसीजंस ऐसे थे जो कि ओवर रूल हुए होंगे, कुछ डिसीजंस ऐसे थे जो कि लैंडमार्क से जो कि रेफरेंस में लिए गए वो आपने देख लिया। फिर कोई ऐसा प्रिंसिपल, कोई ऐसी डॉक्ट्रिन यूज करी गई हो जिससे कि आपको दिखा कि हाँ इंटरप्रिटेशन में कोर्ट ने अपने जो रेशियो था उसमें इसको यूज करा, उसको आपने नोट कर लिया। लॉ इन्वॉल्व था वो आपने देख लिया। ये सारी चीजें आपको नोट करनी चलनी है लैंडमार्क केस लॉस के लिए, और उसके आपको नोट्स बनाने हैं। लैंडमार्क केस लॉस के लिए 1 से लेकर 1.5 पन्ने के नोट्स बनाइए, रिसेंट केस लॉस के लिए आधे पन्ने के नोट्स भी यहाँ पे काफी रहेंगे। इस तरीके से अपना प्रिपरेशन करिए, पूरा पूरा रजिस्टर मोटा मोटा बनाइए, तब आपका काम चलेगा। लास्ट में जब रिविजन करने जाओगे तो बहुत आपको यूजफुल रहेगा। और ये जो आपको काम करना है रोजाना पे, जैसे मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना शुरू करो तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए लैंडमार्क केसेस करना शुरू करो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के केसेस उसी समय करना शुरू करो। ये मत सोचो कि पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा, क्रिमिनल लॉ पढ़ूंगा, फिर मैं केस करूंगा, ये नहीं होगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पढ़ना है, उसके साथ में उसे केस लॉज भी करने, क्रिमिनल लॉ, केस लॉ, बिजनेस लॉज, केस लॉज, ऐसे आपको करके जाना है। इसके बाद लास्टली आपको कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है पढ़ाई करने के लिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पहली बात तो आपको अपना सब्जेक्ट अगर फाउंडेशन खत्म करना है, बेस्ट आपका एक एजेंट सीरीज ऑफ बुक्स यहाँ पे रहेगी, प्लेन एंड सिंपल, उससे अच्छा कुछ नहीं। उसके अंदर भी अगर आपको डिटेल में जाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए जेएन पांडे, आपका ज्यूरिसप्रूडेंस के लिए एनबी प्रांजपे या वीडी महाजन ज्यूरिसप्रूडेंस के लिए वो सही रहेगी। एसके कपूर आप यूज करिए इंटरनेशनल लॉ के लिए। आपका एक बुक आती है जुडिशियल सर्विसेज के लिए, रेडी रखना परीक्षा मंथन की, वो आप देखिए, ये आपको रिविजन के टाइम पर बहुत काम आएगी। जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी किताब है, अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो आपको ये किताब तो लेनी ही चाहिए। फिर आपको अगर बहुत रेगुलर प्रैक्टिस करनी है तो संघल पब्लिकेशन की मल्टीपल चॉइस की एक 3 वॉल्यूम में मोटी बुक आती है, 3 वॉल्यूम्स उसमें होते हैं, हर सब्जेक्ट उसमें दिया होता है, हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का जिसमें होता है, उसको जरूर से परचेज करिए। थोड़ी सी महंगी है पर परचेज करिए, ये आपको बहुत काम आएगी। एमसीक्यूज के लिए बहुत ही जबरदस्त बुक है, बहुत ही लाजवाब बुक है। और इस बुक के साथ में संभव लॉ के प्लीज मॉक पेपर्स और केस लॉ वाला कोर्स जरूर से एनरोल करिएगा, वो एक एसेंशियल कोर्स है, वो एक मस्ट बाय कोर्स है। तो उसके अंदर जो मॉक पेपर्स है वो सारे के सारे पैटर्न को कवर करके हम लोग दे रहे हैं। साथ ही में जो मॉक पेपर्स उसमें अंदर होंगे 2024 नवंबर तक जितने केसेस आएंगे वो पूरे इंक्लूड करके उसमें आपको मॉक पेपर्स लाइव मिलेंगे, तो प्लीज उसमें एनरोल जरूर करिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके साथ में रीसेंट केस लॉज के लिए लाइव लॉ एसईसी ऑनलाइन ब्लॉग और बार एंड बेंच वगैरह फॉलो आप करिए। इसके अंदर भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप गॉसिप पढ़ने मत बैठिए कि भैया कोर्ट के अंदर आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या बहुत ही अच्छा सा कमेंट करा, कैसे उन्होंने उठा के इस वकील को डांटा, इसको ये करा, ये सब नहीं पढ़ना है भाई, गॉसिप नहीं करनी है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लॉ। लॉ का मतलब है कि जो यहाँ पे कानून लिखा है वो क्या है, जो लॉ इन्वॉल्व है वो क्या है, जो यहाँ पे डिसीजन दिया गया उसके अंदर कोर्ट ने जो बात लिखी है ब्लैक में एकदम कोटेड होती है वो क्या है, बट्स
उसके अलावा पिटिशनर ने क्या बता, रिस्पॉन्डेंट ने क्या बता, वो सब कोई मतलब नहीं है, उससे आपको मतलब है दैट्स। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और बिजनेस लॉज के लिए अगर आपको केस लॉज को थोड़ा सा कायदे से फॉलो करना है तो स्पाइसी आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, उसको फॉलो करते रहिएगा। और आपकी जो लॉ फॉर्म की वेबसाइट होती है, मान लो शाहजुल अहमद की वेबसाइट हो गई या एबीजेड जो आपकी लीगल फॉर्म है उसकी वेबसाइट हो गई, इसके ऊपर आपको जो आपके बिजनेस लॉ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वो आपको बहुत ही कायदे से मिल जाएंगे, उनको प्लीज आप फॉलो करिए, आपको बहुत आराम से ये सब चीजें आराम से हो जाएंगी। मतलब आपका पूरा पूरा जो प्रिपरेशन है इस पूरी रिसोर्सेज के थ्रू पूरा आपका हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं होगी। हमारे जो प्रिपरेशन का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस और आपके मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस। अब देखिए इसके अंदर आपको मेक श्योर ये करना है कि आप एक ऐसे मॉक पेपर सीरीज में एनरोल करें जहां पे आपको सारे पैटर्न जितने हैं क्लैट पीजी एग्जाम में जो लास्ट ईयर्स में आए वो सारे के सारे आपको मॉक पेपर्स के अंदर मिले। ये ना हो कि आपको बस जुडिशरी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसको पैराग्राफ में करके चिपका के आपको थमा दिया गया, वो मत करिएगा। मेक श्योर करिएगा कि आप जो भी मॉक पेपर सीरीज में एनरोल करें वो अच्छी हो, और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप रोजाना प्रैक्टिस करें मॉक पेपर्स की, जो आपके लास्ट के दिन बचते हैं आपके जो अक्टूबर और नवंबर का महीना उसमें आपको कायदे से प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 20 से लेकर 30 मॉक पेपर्स आपको लगाने हैं। मेक श्योर करिए इस बात का, उन मॉक पेपर्स के अंदर क्या आप गलती कर रहे हो उसको आपको मेक श्योर करो कि आप देखो क्या है। उसके बाद जो रिविजन आप कर रहे हो सारे सब्जेक्ट्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ, मिसलेनियस सब्जेक्ट्स, सबको आपको आराम से एक एक करके रिवाइज भी करना है, केस लॉज को भी रिवाइज करना है। जो रजिस्टर्स के लिए मैं आपको बनाने के लिए बोला था वो रजिस्टर्स उस टाइम पे काम आएंगे। साथ ही में जो मैंने आपको बुक रिकमेंड करी है यहाँ पे जो जुडिशियल सर्विसेज रेडी रेगुलर परीक्षा मंथन वाली वो आपको उसी टाइम पे काम आएगी। तो मेक श्योर करिए कि आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कायदे से करिए, 20 से लेकर 30 मॉक पेपर आपको लगाने हैं, आपको सारे सब्जेक्ट का रिविजन कायदे से करना है, ये आपको ध्यान रखना है लास्ट के 2 महीने में। और साथ में कोशिश आप ये करिए कि संभव लॉ के मॉक पेपर्स में एनरोल करिए, बिकॉज हम लोग आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स अलग से देते हैं। तो अगर से मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप जुलाई के महीने में आप पढ़ रहे हो तो जुलाई के महीने में ही आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जुड़े हुए मॉक पेपर्स क्लैट पीजी स्टाइल के पैटर्न में लगा के खत्म कर दिया, आपको आराम से आइडिया हो गया कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कायदे से प्रिपेयर हो गया और क्लैट पीजी के पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर हो गया, ये आपको पता चल जाता है। तो प्लीज संभव लॉ के अंदर आप चाहो तो जरूर से मॉक पेपर्स में एनरोल करना, आप पूरा कोर्स मतलब बट मॉक पेपर्स वाले कोर्स में एटलीस्ट आप एनरोल करो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।